हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं समझता हूँ ठीक ठाक होंगे। ये एक रूम हीटर था, तो ये तीन जल रहा है, तीन तीन रॉड नहीं जल रही है। तो पहले ही मैं खोल दिया हूँ ताकि आप लोग को मैं अच्छे से बता सकूँ। देखो, ये इसका मेन वायर है। देखो, ये यही वायर आई है, एक ग्रीन वाला ये अर्थ में चला गया है, और बाकी एक जो है इधर ये स्विच को चला गया है। ये जो सेफ्टी स्विच लगी रहती है, इसमें इसमें से एक उधर कॉइल पे चला गया, स्प्रिंग पे ये वाला चला गया। तो चलो आप चेक करके दिखाता हूँ, पहले ये स्विच चेक कर लेंगे। तो ये देखो, आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, असल में अभी हटाऊंगा इसको, पहले स्विच चेक कर लेते हैं। पहले इसको स्विच को हटा दे रहा हूँ, इसलिए कि मुश्किल हो रहा, जगह थोड़ा सा वायर छोटा पड़ रहा। तो पहले स्विच चेक करके आप लोग को दिखा दूं, फिर उसके बाद हटाऊं। देखो, ये स्विच सही है, नहीं दिख रहा होगा आप लोग को, नीचे से दबाना भी पड़ेगा। ये स्विच जो है, ये दबाएंगे तब जाके ये काम करती है, नीचे रखने से जब ये दबती है तब काम करते हैं। पहले ये तो इसको चेक कर लेते हैं। देखो, आवाज आ रही होगी। पहले इसको हटाएंगे, इसलिए कि वायर है थोड़ा छोटा, वो मुश्किल कर रहा। पहले इसको हटा दे रहे हैं ताकि कोई दिक्कत परेशानी ना हो, काम करने में तभी मजा आता। तो ये कोई रॉड या कुछ खराब है, इसकी वजह से वो नहीं पूरा जल रहा, तीन जल रहा तीन नहीं जल रहा है। बच्चा, रॉड ही खराब हो या और कुछ खराब हो, वायरल स्विच तो सही है। तो चलो, इसको करते साइड में, आप लोग को बकायदे कायदे से दिखाएगा आपको। ये देखो, ये दोनों वायर स्विच की है, इसको साइड में रखते हैं। अब आप लोग को चेक करके दिखाते हैं। हाँ, तो गैस पहले आप लोग को दिखा दूँ, छह राड है। देखो, एक ये वाला रहा, एक दो, फिर ये पत्ती लगी है, ये तीन, फिर इसी पत्ती से ये तीन एक चार, फिर ये पत्ती से उधर आगे साइड में ऐसी पत्ती लगी हुई, चार एक पाँच, और फिर इसी से अटैच ये वाली छः। तो ऐसे उधर भी आप लोग को दिखा दे रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए बकायदा। देखो, ये एक दो तीन चार पाँच, ये नीचे वाला छः। ये सप्लाई देखो यहाँ से आती है, इससे इस पे चली गई, फिर इससे इस पे चली गई, फिर इसी से पीछे सप्लाई मिल गई। तो आप लोग को बार बार घुमाना पड़ेगा, कि आप लोग कायदे से देख लो, फिर आप लोग को समझ में आएगा। हाँ तो दोस्तों, देखो ये मेन केबल यही आई हुई है, मेन जो वायर आया ये आया, इससे कि एक वायर ये स्विच से होके ये कॉइल पे चला गया, फिर दूसरा ये वाला, ये दूसरा रेड वाला, देखो ये स्विच पे आया, ये स्विच पे आया।
ये स्विच से फिर आउट होके ये कॉइल पे जाता है और ग्रीन वाला अर्थ है। तो चलो मैं आप लोग को कॉइल चेक करके दिखाता हूँ, इसलिए कॉइल में कॉइल ख़राब है। हाँ तो पहले एक पॉइंट रखेंगे सर, इस पॉइंट पे, इसलिए मैं वायर हटा दिया हूँ, खोल दिया हूँ इसका भी, इसका भी, तभी मालूम पड़ेगा कि कौन सा वायर कॉइल ख़राब है। हाँ देखो ये दिखा रहा होगा, ये दिखा रहा, ये दिखा रहा, यानी ये वाला सही है। देखो ये भी दिखा रहा, ये भी दिखा रहा, देखो ये भी दिखा रहा, तो एक पॉइंट यहाँ पर रखेंगे। देखो ये वाला खराब है, देखो यहाँ पर नहीं दिखा रहा, यहाँ पे दिखा रहा, ये वाले पे नहीं दिखा रहा, मतलब ये अगर उस पॉइंट पे रखता हूँ तो दिखाता है, इस पे दिखाता है और ये वाले पे नहीं दिखाता, मतलब। और ये इसके नीचे वाले देख लेते हैं, ये वाला सही है, मतलब यही है रॉड खराब, ये वाला रॉड खराब है। चलो खोलते हैं, खोल के देखते हैं। हाँ दोस्तों देखिए मेरा खोल लिया हूँ, चलो चेक करते हैं क्या मुश्किल है, कि स्प्रिंग टूट गई है या क्या हुआ है, तो देखते हैं। देखो ये खोल दिया, देखो ये इससे निकल गया स्प्रिंग में से, हाँ इसी की वजह से वो जलता नहीं था। तो चलो अभी इसका कुछ अलग अलग करते हैं, इसी पे ला के इसी में अच्छे से टाइट कर दूंगा एक और नट लगा के, दूसरा रास्ता तो कोई नहीं दिख रहा, स्प्रिंग अंदर ना टूट गई है। हाँ तो दोस्तों देखो ये मैं निकाल ले रहा हूँ एसी में साइड से डाल के, चूड़ी भी इसकी टाइट करनी पड़ेगी, देखते हैं जुगाड़ करना पड़ेगा। इसमें से निकलेगा तभी ये चूड़ी पकड़ेगा। हाँ तो दोस्तों देखो यहीं पर मैं अच्छे से खूब अच्छे से टाइट कर दिया हूँ, ये इसको लगाएंगे, लगा के ये नट जो है अच्छे से टाइट करेंगे, टाइट रहना चाहिए, लूज रहेगा ना फिर मुश्किल होगा, लेकिन हीटर वीटर करंट ज़्यादा लेता है फिर मुश्किल होगा, तो अच्छे से उसको टाइट कर देना, जितना अच्छा टाइट रहेगा उतना सही है, ढीला रहेगा फिर मुश्किल होगा। चलो अब इसको फिर करके चालू करके दिखाते हैं, वैसे अभी एक वर्क करेगा। दोस्तों देखो यही कॉल स्प्रिंग टूट गई थी, इसी की वजह से वर्क नहीं कर रहा था, तीन कॉयल है, मसला क्या एक अगर ख़राब हो जाएगा तो उससे जितने अटैच रहेंगे दो तीन चार पाँच
किसी को नहीं जलने देगा। तो यही होती है कारगिरियाँ। तो पहले वायर निकाल के अलग अलग चेक करना पड़ेगा, तो अलग अलग चेक करेंगे तब फिर उसके बाद मालूम पड़ेगा कौन सा कॉइल खराब है। हाँ तो इधर के भी नट लगा दे रहे हैं, चलो आप लोग को फिट करके चालू करके दिखाते हैं। अब दोस्तों देखो ये स्विच, ये बेस का जो स्विच है इसका भी टर्मिनल लगा दे रहे हैं, अब फिट करते हैं। हाँ दोस्तों ये देखो टॉप वाला हिस्सा है, ये टॉप वाला हिस्सा है, पहले ये बुश रखा जाएगा ये यहाँ पे, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद एक स्क्रू ऊपर लगा हुआ है। हाँ तो देखो दोस्तों ये देखो ये टॉप वाला ये स्क्रू है, ये टॉप वाला स्क्रू है, तो इसको भी टाइट कर दिया हमने। चलो देखते हैं। हाँ तो दोस्तों देखो वो ओम दिखा रहा हूँ, ये आप पे है, ये देखो तो ओम दिखा रहा है। तो चलो अब चालू करके दिखाते हैं आप लोग को। तो उससे पहले करंट ज़रूर चेक कर लेना, कहीं करंट बॉडी में नहीं ना रहा, तो ऐसा कुछ तो नहीं दिखा रहा कि अर्थ वाला, देखो ये दिखा रहा तो करंट तो नहीं आ रहा। चलो तो ये चालू करने से पहले ये काम ज़रूर कर लेना चाहिए। हाँ तो दोस्तों देखो सब अभी चालू हो गया। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ओके थैंक यू गाइस।